हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक और फल वाला पौधा है जिसके कि औषधीय उपयोग भी काफ़ी सारे हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आप जो पौधा देख रहे हैं यह है एक सिट्रस का प्लांट है। सिट्रस इसमें साइट्रिक एसिड होता है। ये पौधा है आपका नारंगी का पौधा। नारंगी से आप सभी परिचित हैं ही कि फल तो इसके स्वादिष्ट होते ही हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे औषधीय उपयोग भी हैं। ये देखिए, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ पौधा। ये इसकी हाइट लगभग मेरे बराबर हाइट है इसकी, ये देखिए। और ये साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है जो कि हमारे जो पथरी की समस्या जिनको होती है तो उसमें ये बहुत ही कारगर माना जाता है। नींबू और बिजोरा और उसी तरह से संतरा और नारंगी का उपयोग किया जाता है। मौसमी कहा जाता है, मौसमी नारंगी। तो ये वो मौसमी है और इसका उपयोग लू में भी किया जाता है, दस्त में भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है पथरी की समस्या में भी। स्वादिष्ट तो इसके फल होते ही हैं, हम शौक के लिए तो फल खाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इसके औषधीय प्रयोग हैं। पथरी के लिए ये एक बहुत अच्छा टॉनिक माना जाता है आयुर्वेदिक रूप से। और ये देखिए, ये पौधा जो है आपका देख सकते हैं आप, इसमें ये ग्राफ्टेड पौधा मैं लाया था। ये देखिए, यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, ये ग्राफ्टेड है पौधा और ये गमले में आसानी से चल सकता है। लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा ताकि ये इसके नीचे से अच्छे से ग्रोथ इसकी हो और अच्छे से फैल पाए। और ये वाला जो पौधा है ग्राफ्टेड पौधा है तो ये आराम से आप, अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है तो आप इसको गमले में आराम से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के लिए इसमें आप गाय के गोबर से बनी हुई खाद या फिर आप इसमें दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद। ये दो खादें इसके लिए उपयुक्त है क्योंकि फल का पौधा है और हम अगर चाहें तो मार्केट से बहुत ही सस्ते दाम पर फल खरीद के ला सकते हैं, लेकिन हमारा घर पे लगाने का उद्देश्य ये होता है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ मिले जिसमें केमिकल फ्री मिले, इसीलिए हम घर पे लगाते हैं। अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र को कोई केमिकल वाला फर्टिलाइज़र अगर इसमें देते हैं तो फिर इसको घर पे लगाने का, इतनी मेहनत करने का कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसीलिए आप अगर घर पे कोई भी पौधा उगाते हैं तो कोशिश यही करें कि आप इसमें गाय के गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ही दें जिससे हमारा इसको घर पे लगाने का उद्देश्य पूरा हो सके। तो इसे घर पे इसीलिए लगाया जाता है पौधों को, फल वाले और सब्जियों के पौधों को, ताकि हम ऑर्गेनिक चीज़ें हम खा सकें और हम तंदुरुस्त रह सकें, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसके लिए हम पौधों को घर पे उगाते हैं। अन्यथा अगर आप चाहे तो मार्केट से बहुत अच्छे सस्ती रेट में आप फल सब्जियां खरीद सकते हैं, लेकिन वो केमिकल फ्री नहीं होती। वो सारी केमिकल फर्टिलाइज़र उसको दिया होता है जिससे कि अच्छे से ग्रोथ बढ़े, इसलिए दिया होता है। लेकिन ऑर्गेनिक अगर हम खाद देंगे तो पौधा भी ऑर्गेनिक ही बनेगा, तो इसीलिए हमें इसमें खाद भी ऑर्गेनिक ही देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो सिट्रस प्लांट पर आपको पसंद आया होगा। तो आप मौसमी समझ गए होंगे जो कि कुछ संतरे की तरह ही, ऑरेंज की तरह ही दिखता है। ऑरेंज और मौसमी, नारंगी और मौसमी को फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। इसके कुछ, इसका टेस्ट थोड़ा सा कुछ अलग होता है दोनों का, संतरे का और मौसमी का। बाकी लगभग ये दिखने में भी दोनों सेम ही होते हैं और जूस भी इसका लगभग सेम ही होता है, पर थोड़ा सा इसका फल हल्का सा खट्टा होता है और संतरे का थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, बस यही इसका फ़र्क है। तो दोस्तों, इसी आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी, इसी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।